इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांदा से, जहां पर विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में राष्ट्र संत ब्रह्मालीन महंत अवधनाथ जी महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर रामलीला मैदान बांदा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति करवरिया जी उपस्थित रही एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री दीपक शुक्ला, चित्रकूट मंडल प्रभारी, प्रदेश मंत्री विश्व हिंदू महासंघ की श्रीमती संतोष मिश्रा उपस्थित रहे। भैया आपका नाम? दीपक शुक्ला, विश्व हिंदू महासंघ चित्रकूट धाम मंडल प्रभारी के पद पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। आज बांदा जिले में रामलीला मैदान पे किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है? आज हम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के गुरु जी महंत राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की आठवीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में व उनके गुरु जी महंत दिग्विजय नाथ जी की 53वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम गोरक्षपीठ से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के हर जिलों में व पूरे भारत देश में हर जगह ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति करवरिया, करबी से आई हुई हूँ। मैं विश्व हिंदू महासंघ मातृशक्ति प्रकोष्ठ की प्रदेश ये आज ये रामलीला मैदान में किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है? आज हम लोग महंत अवैधनाथ महाराज जी की पुण्य आठवीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, जो हमारे गोरक्षपीठ पीठाधीश्वर और साथ ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी के गुरु जी थे, उन्हीं की पुण्यतिथि मना रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती संतोष मिश्रा है। आज ये रामलीला मैदान पे किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है? आज रामलीला मैदान में महंत अवैधनाथ जी जो गोरक्षा पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी थे, उनकी आठवीं पुण्यतिथि के साप्ताहिक कार्यक्रम का आज बांदा में आयोजन किया गया है। इसमें उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है और विश्व हिंदू महासंघ के सभी कार्यकर्ता, सभी प्रकोष्ठ के मातृशक्ति गोरक्षा अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सभी लोग उपस्थित होकर उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो क्या ये बांदा जिले में ही ये कार्यक्रम हो रहे हैं या हर जिले पर हो रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में और बल्कि भारत के कई प्रदेशों में इसको साप्ताहिक तौर से मनाया जाता है और विश्व हिंदू महासंघ के जो सभी भारत के सभी प्रदेशों में कार्यकर्ता हैं वो अपने गुरु जी के साप्ताहिक पुण्यतिथि मनाते हैं और उसी अवसर पर बांदा भी आज गोरखपुर में साप्ताहिक कार्यक्रम होता है भागवत राम कथा और वहाँ गोरक्षा पूजा देकर योगी आदित्यनाथ जी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत साधु संत भी सम्मानित किए जाते हैं और आते हैं।